डील फॉर्मली मतलब कि बहुत डेडिकेशन के साथ डील करना सेकेंड ऑप्शन एक्सेप्ट ग्लैटली मतलब खुशी खुशी एक्सेप्ट करना थर्ड ऑप्शन इनकम्प्लीट फेलियर मतलब कि पूरा असफल हो जाना या फोर्थ ऑप्शन विच इज़ अनयूजअली कॉन्फिडेंट मतलब कि असामान्य रूप से आत्मविश्वास होना तो इन चार ऑप्शन में से सीज द नेटल का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ डील फॉर्मली इसका करेक्ट मीनिंग है ठीक है इट मीन्स टू टेक ऑन अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम डायरेक्टली एंड एनर्जेटिकली ठीक है तो इस फ्रेज़ का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सामने कोई एक अनप्लेजेंट सिचुएशन हो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो और हमें कोई बोल्ड डिसीजन लेना हो फिर जब हम उस सिचुएशन से फॉर्मली डील करते हैं मतलब कि फुल डेडिकेशन के साथ फुल एनर्जी के साथ डील करते हैं तब हम यूज़ करते हैं सीज द नेटल फ्रेज़ का यूज़ ठीक है आई होप द मीनिंग इज क्लियर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर